हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, बहुत दिन के बाद अभी हम वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुछ महीना के लिए हम गांव में बिजी था और हम बोर्ड ब्लर में भी नहीं था। सो फाइनली आई एम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला है कि आप लोग इस सितंबर में अंडमान विजिट करना चाहिए कि नहीं। हो सकता है आप लोग में से बहुत जन आने वाला है 15 के बाद या 20 तारीख के बाद आने वाला है, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है वेदर के बारे में, जो कि हम इस वीडियो में पूरा तरह एक्सप्लेन करेगा आप सबको। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, होप यू ऑल विल लाइक इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप लोग में से बहुत जन इंटरनेट में सर्च किया होगा कि बेस्ट टाइम क्या है अंडमान विजिट करने का, तो उसमें लिखा होगा कि जो मानसून है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता, और उसके बाद फिर समर टाइम रहता, यानी कि समर टाइम बहुत ही अच्छा रहता यहाँ में विजिट करने के लिए। अभी सितंबर चल रहा है एंड इट इज़ वेरी हॉट हियर, और आप लोग ये सोचते होगा कि ये टाइम भी बहुत बारिश रहेगा अंडमान में। तो मैं अगर आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ का वेदर जो है इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी बारिश हो सकता, कभी भी धूप हो सकता। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जून से लेकर अगस्त तक इसका बीच में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ज़्यादातर बारिश रहेगा ये टाइम, और सी भी रफ़ रहेगा, समुंदर भी एकदम रफ़ रहेगा। यानी कि ये टाइम ज़्यादातर आप लोग का जो भी फेरी है हेवलॉक जाने के लिए या नील जाने के लिए, वो टाइम सबसे ज़्यादा पोस्टपोन होने का चांसेस रहता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल वेदर है अंडमान में सितंबर में, ऐसा नॉर्मल बारिश देखने को मिलेगा एक दिन या दो दिन। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर एक दिन या दो दिन के लिए बारिश रहेगा तो उसका वजह से आपका फेरी जो हेवलॉक जाने वाला रहेगा या नील आइलैंड जाने वाला रहेगा, तो वो कैंसिल नहीं होएगा या पोस्टपोन नहीं होएगा, तो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है वेदर का, यू कैन जस्ट प्लान योर ट्रिप। और हम ये भी नहीं बोलेगा कि आप लोग यही टाइम आ जाइए, क्योंकि सिर्फ हम ही पॉसिबिलिटी बोल सकते आप लोगों को, बाकी आपका हाथ में है। एंड आई थिंक देर इज़ नो सच अ इशू इफ़ यू गेट टू सी सम रेन फॉर वन डे और टू डेज, बिकॉज मैक्सिमम आप लोग हेवलॉक जाएगा या नील आइलैंड जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका फेरी कैंसिल हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा, नथिंग विल बी लाइक दैट। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली डोंट हैव अनदर टाइम, लाइक हो सकता है आप लोगों को सेप्टेम्बर में ही विजिट करना है, तो इट्स ओके, यू कैन कम। और अभी फ़िलहाल का जो मौसम है अंडमान में, यानी कि अभी वो एकदम गर्मी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि लास्ट वीक तक ऐसा रहेगा। हो सकता है बीच में एक दिन या दो दिन बारिश देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है आपका फेरी टाइमिंग या फेरी टिकट का, बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉर्मल रेन मे बी, लेकिन फेरी तब कैंसिल या पोस्टपोन होता जब एकदम रफ रहता, सी या साइक्लोन देखने को मिलता, तब चांसेस रहता फेरी कैंसिल होने का। लेकिन ये टाइम ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, एंड आई होप जो भी आने वाला है वो सबका ट्रिप या सबका हॉलीडे एकदम अच्छा रहेगा, एंड होप यू ऑल द बेस्ट। एंड ये वीडियो था आप लोग बताने के लिए, हो सकता हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट मिस किया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले समय में और भी इस तरह का मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।